मोदी जी के ये 10 साल सारे वादों के समाप्ति के 10 साल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, 2019 में हम मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, संकल्प पत्र घोषित कर रहे थे। उस वक्त पत्रकार पूछते थे, पहला पेज तो ऐसा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं भी निरुत्तर था, पहले पेज में क्या था, क्या था हमारे संकल्प पत्र के पहले पेज में? पहले पेज में था, अयोध्या में भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे। 500 साल से पूरे देश के सभी श्रद्धालु चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो और रामलला सम्मान के साथ अपने मंदिर के अंदर विराजमान हो। एक कांग्रेस पार्टी సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? చింతించకండి, సుమారు 90,000 జంటలకు ఆనందం నింపింది ఒయాసిస్ ఫర్టిలిటీ. ఈ రోజే 7825893600 కి కాల్ చేయండి. సంతానోత్పత్తి చికిత్సపై భారీ డిస్కౌంట్లు పొందండి. గుడ్ న్యూస్ చెప్పండి. ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ 70 సాల్ తక్ రామ మందిర్ కే ముద్దే కో అట్కాతీ రహీ, భట్కాతీ రహీ, లట్కాతీ రహీ. అరే ఆప్నే తో బనాయా నహీ మందిర్, మోదీ జీ నే బనాయా, प्राण प्रतिष्ठा थी, आपको निमंत्रण दिया, आप उपस्थित भी नहीं रहे। वोट बैंक की लालच से आपने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। मित्रों, दूसरा वादा क्या था? कश्मीर से हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर चलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एक झटके में समाप्त कर दिया। युवा मित्रों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण धारा 370 हटाती नहीं थी। मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त कर दिया। हमने तीसरा वादा किया था, ट्रिपल तलाक को हम समाप्त कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी, लाखों करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों के साथ अन्याय होता था। मुस्लिम की बात करने वाले, माइनॉरिटी की बात करने वाले मुस्लिम माताओं की आवाज नहीं सुनते थे। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया और देश में सभी को अधिकार मिला। मोदी जी ने कहा था कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी सालों तक सत्ता पर रही, परंतु उनको 33% आरक्षण रिजर्वेशन नहीं मिला। मोदी जी ने विधानसभा और लोकसभा में मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम। और अभी अभी कल ही हमने कहा था, हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है।
उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ